एक गांव में टूनी और कौवा नाम के दो सुता था। टूनी बहुत मेहनती था, वो बहुत सुबह उठता था, पूरे दिन लकड़ी काटता था और शाम को घर आता था। और दूसरे तरफ कौवा बहुत आलसी था, वो 12 बजे के बाद उठता था और बहुत कम लकड़ी लेकर घर आता था। टूनी एक साल बहुत मेहनत करके बहुत पैसा कमाया और उस पैसे से एक बड़ा सा सुंदर घर बनाया। और कौवा पहले जैसा था वैसे ही रह गया। कुछ दिन बाद टूनी ने शादी कर लिया और ये देखकर कौवा को बहुत जलन हुआ। और टूनी और मैं दोनों ही सुतार हैं, ये भी टूनी एक साल के अंदर इतना बना लिया और मैं जैसा था वैसे ही हूँ। लगता है टूनी के पास कोई राज है जो मुझे पता नहीं, उनके पास कोई जादू है। शादी के बाद भी टूनी रोज सुबह उठता था। सुबह सुबह टूनी चला लकड़ी काटने, मैं बाद में जाऊंगा आराम से, ये बोलकर कौवा फिर से सो गया। और टूनी जंगल के अंदर तालाब के पास एक पेड़ पर रुका। ये पेड़ अच्छा है, इस पेड़ के डाल भी बहुत मोटा है, इसको आज काटते हैं। टूनी पेड़ के ऊपर उठकर डाल काटने लगा। डाल काटते काटते फुलवाड़ी तालाब में गिर जाता है। हे भगवान, मेरे पास तो एक ही फुलवाड़ी था, अब मैं क्या करूं? अब पेड़ कैसे काटूंगा? अगर पेड़ नहीं काट पाया तो हम लोग क्या खाएंगे? टूनी बहुत परेशान हो गया और तालाब के पास बैठकर भगवान को बुलाने लगा। हे भगवान, मेरा मदद करो, मेरे पास सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी था, अगर वो चला गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे लकड़ी कैसे काटूंगा? उसी वक्त जल परी वहाँ से निकलता है। हे टूनी, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूँ, मुझे बताओ। लकड़ी काटते वक्त मेरा कुल्हाड़ी तालाब में गिर गया, दया करके मुझे मेरा कुल्हाड़ी वापस दीजिए, ये कुल्हाड़ी ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। जल परी तालाब के अंदर चला जाता है। कुछ वक्त बाद एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर वापस आता है। ये लीजिए टूनी, आपकी कुल्हाड़ी। ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो सोने की है, आप मुझे मेरा कुल्हाड़ी दीजिए। जल परी फिर से पानी के अंदर चला जाता है और जब वापस आता है तो उनके हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी था। ये शायद आपकी कुल्हाड़ी है। नहीं देवी जी, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है, मेरे कुल्हाड़ी तो लोहे का है। जल परी फिर से पानी के अंदर चला जाता है, इस बार पीतल की कुल्हाड़ी लेकर वापस आया। क्या ये आपकी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये भी नहीं है, मेरे कुल्हाड़ी लोहे का है, मुझे सिर्फ मेरा वाला कुल्हाड़ी चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा लोहे का कुल्हाड़ी चाहिए। जल परी फिर से पानी के अंदर चला जाता है और इस बार जल परी टूनी के लोहे की कुल्हाड़ी देखकर आता है। टूनी अपनी कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश हुआ। हाँ, ये तो है मेरा कुल्हाड़ी, ये वाला कुल्हाड़ी मेरा है। ये लीजिए, पर मुझे बताइए, आपने कहा था कि आपका कुल्हाड़ी सबसे बड़ी संपत्ति है, तो फिर आपने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी क्यों नहीं लिया? हाँ, यही तो है मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, अगर ये नहीं कहा तो मैं लकड़ी नहीं काट पाऊंगा, नहीं तो पैसा भी नहीं कमा पाऊंगा। बहुत अच्छा टूनी, आपने मेहनत को ही सबसे बड़ा संपत्ति बताया और आपका मन में थोड़ा सा भी लालच नहीं है, इसलिए सोने चांदी और पीतल ये तीनों कुल्हाड़ भी आप लीजिए। आपकी ईमानदारी के लिए आपको उपहार देता हूँ, हमेशा खुश रहो। टूनी कुल्हाड़ी लेकर जलपरी को प्रणाम करता है और जलपरी फिर से पानी में चला जाता है।
टुनी जब सोना चांदी की कुल्हाड़ी लेकर घर आता है तब कौवा देख लेता है और सोने चांदी की कुल्हाड़ी देखकर चौंक जाता है। फिर कौवा उनके पीछे पीछे जाता है। टुनी अपने पत्नी को सब कुछ बताता है और कौवा घर के बाहर सब कुछ सुन लेता है। ओ तो ये बात है, मैं भी तालाब से सोने की कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। कौवा तालाब में जाकर जानबूझ के कुल्हाड़ी को तालाब में गिरा देता है और वहाँ बैठकर भगवान को बुलाने लगा। बोलिए कौवा, मुझे क्यों याद किया? मेरा कुल्हाड़ी तालाब में गिर गया, मुझे वो वापस दीजिए। चल परी तालाब के अंदर जाकर लोहे की कुल्हाड़ी लेकर वापस आता है। ये लीजिए कौवा आपके कुल्हाड़ी। नहीं, ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। जलपरी फिर से पानी के अंदर जाता है और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आता है। कौवा फिर से लेने से मना कर देता है। उसके बाद जलपरी फिर से पानी के अंदर से सोने की कुल्हाड़ी लेकर आता है। ये देखकर कौवा खुश हुआ। यही तो है मेरी कुल्हाड़ी, यही वाला कुल्हाड़ी मेरा है। कौवा आप बहुत लालची हो, आपने मुझे झूठ बोला। ये बोलकर जलपरी पानी में गायब हो जाता है। हे भगवान, मेरा कुल्हाड़ी का क्या होगा, मुझे माफ कर दीजिए। ये बोलकर कौवा तालाब के पास रोने लगा। उनको एक भी कुल्हाड़ी नहीं मिला और उनका लोहे का कुल्हाड़ी भी चला गया। कौवा को झूठ बोलने की सजा मिल गया और टुनी की मेहनत की वजह से उनको उनका उपहार मिला। इसलिए कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए।